बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी फिर उसको दूसरों तक पहुंचाया, उसे ऐसे ही पहुंचाया जैसा कि सुना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक का मफहूम है कि मेरी उम्मत के अब्दाल महज नमाज और रोज़ी की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो अल्लाह की रहमत, दिलों की सखावत, सीनों की पाकीज़गी और मुसलमानों की खैर ख्वाही के सबब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि उसके रिज़क में फराखी हो, यानी कि रिज़क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और उम्र लंबी हो यानी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त उसकी गैर मौजूदगी में बचाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा। हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मुझको कोई ऐसी बात बतलाएं जिससे मैं फ़ायदा उठाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के रास्ते से तकलीफदा चीज़ को हटा दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसे अमल की ख़बर ना दूँ जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतरीन है, जो तुम्हारे बादशाह के यहाँ बड़ा पाकीज़ा है, जो तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, जो सोने चांदी का सदका करने से बेहतर है, जो जिहाद में दुश्मन को मारने या शहीद होने से भी बेहतर है। अर्ज़ किया, ज़रूर ऐ अल्लाह के रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह का ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स नमाज की वजह से जब तक कहीं ठहरा रहेगा उसका ये सारा वक्त नमाज में शुमार होगा। मलाइका उसके लिए ये दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह इसकी मगफरत फरमा, इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जब तक वो नमाज से फारग होकर अपनी जगह से ना उठ जाए या बात ना करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उनमें से किस उंगली में बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मकसद दुनिया हासिल करना हो, अल्लाह ताला उसके काम बखेर देता है, मोहताजी को उसकी आंखों के सामने कर देता है, और उसे दुनिया से सिर्फ उतना ही मिलता है जितना उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका। जिसका मकसूद आखरत हो तो अल्लाह ताला उसके मामलात को ठीक कर देगा, उसके दिल को बेनियाजी अता करेगा, और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें इतनी खुशी किसी बात से नहीं हुई जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनकर हुई कि तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत रखता हूँ, और उनसे मोहब्बत की वजह से उम्मीद रखता हूँ कि मेरा हशर भी उन्हीं के साथ होगा, अगरचे मैं उन जैसे अमाल ना कर सका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, दूसरों के ज़ाहरी ऐब तलाश ना करो, दूसरों के बातनी ऐब मत ढूंढो, एक दूसरे के लिए धोखे से कीमतें ना बढ़ाओ, अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाओ जो आपस में भाई भाई हैं। क्या आप अपनी कब्र का हाल जानना चाहते हैं? ये हदीस नहीं है, ये अलामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र में नेमत और सज़ा,
क़ैद और आज़ादी के एतबार से इंसान का दिल ऐसा ही होगा जैसा कि उसके सीने में उसके दिल का हाल है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स अपनी कब्र में अपना हाल मालूम करना चाहता है तो वो अपने दिल को देखे कि दिल किस हाल में है। अगर ईमान और आमाले सालिहा की वजह से दिल में सुकून और इत्मीनान और मुसर्रत है तो कब्र में भी यही हाल होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता गुनाहों की नहुसत की वजह से दिल में बेचैनी और बेकरारी है तो कब्र में भी यही हाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता भुला दिया। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन निन्नबीजिल उम्मीजी व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम।